चिंतन चिंतन। एक लड़की ने एक बहुत ही धनी आदमी को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। उसने देखा कि पैसा बहुत सारी परेशानियां दूर करता है, उससे अच्छे अच्छे सामान खरीदे जा सकते हैं, तो पैसा कमाने पर जुट गया। पर उसकी परेशानियां और बढ़ गई। एक तो पैसा कमाने में वो मेहनत ज्यादा करता, फिर उस पैसे को जमा करके रखने की फिक्र, चिंताएं। कई दिन तक कमाई में लगा रहा, कुछ पैसे जोड़ भी लिए, पर इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई और उसने देखा कि इस विद्वान के पास पैसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग बहुत उसके पीछे हैं, भीड़ इकट्ठी होती है उसे सुनने के लिए, उससे सवाल करते हैं, उससे जानकारी लेते हैं और कितनी रिस्पेक्ट देते हैं उसे। उसने पैसा कमाना छोड़ के अब विद्वान बनने के लिए शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए। अभी वो कुछ विद्वत्ता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ा ही था कि फिर उसकी मुलाकात एक म्यूजिशियन से हुई, एक संगीतज्ञ से हुई। उसे लगा कि संगीत ज्यादा अच्छा है, खुद भी एंजॉय करो, लोगों को भी एंजॉय कराओ, पैसे भी मिले, सम्मान भी मिले। उसे बहुत अट्रैक्शन दिखाई दिया उसमें। तो अब साहब उसने विद्वान बनने की बजाय संगीतकार बनने का सोचा, गायन और वादन। काफी उम्र बीत गई पर वो ना धनी बन सका, ना विद्वान, ना संगीत सीख पाया और ना ही नेता बन सका, ना भी नेता बन सका। उसे बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। उसने अपने दुख का कारण बताया। महात्मा जी मुस्कुरा के बोले, थोड़े थोड़े दिन बाद अपना ये जो चंचल मन है ये तुम्हें चेंज होने के लिए कहेगा। एक जगह तुम्हारा निश्चय नहीं है, मन को कहीं टिकाया नहीं है। बेटा दुनिया बड़ी चिकनी है, जहां जाओगे कोई ना कोई अट्रैक्शन दिखाई देगी, कोई ना कोई आकर्षण दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो। कुछ लोग हमने देखा है कि जिंदगी भर कुछ और करेंगे, बुढ़ापे में आकर के शास्त्रों में से लिख लिख के लाएंगे, कागज पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या भी करना शुरू कर देंगे और फिर गलत व्याख्या करेंगे। कुछ लोग बुढ़ापे में संगीत सीखना चाहते हैं। भाई जो काम करना है बचपन से उसी पर मन टिकाओ, जहां आपका रुझान है, जहां आपकी दिलचस्पी है, निश्चय करके पीछे पड़ जाओ। अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने फैसले बदलेंगे तो साहब कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। चिंतन।